जी जनाब, अब हम आते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आप दही कौरमे के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने जनाब 4 अदद प्याज इसमें ब्राउन करके दही में, तकरीबन 1 पाव दही थी उसके अंदर मैंने इसे ब्लेंड कर दी है। 6 अदद मैंने टमाटोज ब्लेंड किए हैं और लहसुन अदरक के साथ ही मैंने 3-4 हरी मिर्चें और साबुत सफ़ेद ज़ीरा ब्लेंड कर दी है, ठीक है। और जी जो ये इसके जी लिक्विड ये मैंने तैयार किया हुआ, ये जनाब अम्मी की सीक्रेट रेसिपी है। अम्मी हमेशा क्या करती थी जी, पानी के अंदर ही मिर्चें, साबुत सफ़ेद धनिया और जी पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, वो सब अपने पास इस तरह करके ना इसका एक पेस्ट सा बना के रख लेती थी। तो इससे होता क्या है, यानी अब हमें पता चला कि जी इससे होता क्या है। इससे होता यह है कि जी आपके जो मसाले की मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है, स्पाइस का जो असल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिप होने के बाद ही निकलता है, ठीक है। और वैसे भी यानी अगर कोई इसमें, यानी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ये आप करके ज़रूर देखें कि ये सारे मसाले पानी में इस तरह करके इसका पेस्ट बना लें पहले। हाँ जी जनाब, ये सबसे पहले जी हमने कौरमे के लिए क्या लिया है जी, ऑयल लिया और ऑयल में हमने डाले हैं जी 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और इन्हें मैं कर रही हूँ जनाब अली ब्राउन। हाँ जी जनाब, इसमें अब मैंने ऐड कर दिया है जी अपना चिकन मीटर मैचमेट 2 kg है, ठीक है। ये ऑयल में से हमने प्याज को निकाला है, अब इसमें हम चिकन करेंगे फ्राई। चिकन को फ्राई करते हुए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक ऐड कर देंगे और लाइट सी काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन को फ्राई करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जनाब इसकी बोटियाँ टूटती हैं, वरना अगर आप इसके बगैर फ्राई बनाएंगे तो ये जो होती हैं इसकी टूट जाती हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का ऐड किया, ठीक है, और 1 टीस्पून ही नमक का ऐड किया। हाँ जी जनाब, ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है जी दही कौरमे की, जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। और आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी और सब्सक्राइब भी, ठीक है। अपने चैनल को जी, हमारे यूट्यूब चैनल सब कोई प्रमोट करें और ताकि हम अच्छा अच्छा काम आपको करके और दिखाएं, ये हमारी हौसला अफजाई होती है जी। ये देखेंगे चिकन इसमें हो रहा है जी फ्राई और ज़रा ये गोल्डन जब होगा तो फिर हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट फिर अपना ऐड करेंगे। ये तकरीबन 10 मिनट आपके लेगा फ्राई होने में। जनाब अली, ये इसमें मैंने जी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ, जिसमें 4 अदद छोटी इलायची, जायफल जावित्री का 1 पूरा फूल, 5 अदद लौंगे और 7-8 काली मिर्ची फ्राई के दौरान ही इसमें मैं डाल रही हूँ। इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, ठीक है। फ्राई करते करते ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। हाँ जी जी, ये इसमें हो रहा है जी सारा खुशक मसाला और गोश्त हो रहा है जी फ्राई। और जी जनाब, चैनल का बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका जो देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और जी मुझे माशाल्लाह किसी भी जगह से आते हैं कमेंट, हर जगह से आते हैं, लेकिन इंडिया से जो कमेंट आते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हमारा हमसाए मुल्क है, हम एक दूसरे की ज़बान को समझते हैं, हमारे ट्रेडिशंस वगैरह आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जो वो बहनें हैं जो भी होते हैं जो कमेंट करती हैं, तो बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब अली, ये हमारा गोश्त थोड़ा सा सूखा शुरू हो गया जनाब, ये देखें, यही वजह होती है कि ये फ्राई होने के बाद टूटता नहीं है। ये आ गया जी हमारे पास लहसुन, जनाब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक हरी मिर्च और साबुत धनिया, साबुत जो मैंने ब्लेंड किया हुआ था, ठीक है। इसमें तकरीबन अदरक के 2 पीस और जनाब ये 4-5 चम्मच बन जाता है, ठीक है, और 8-10 जो जवे होते हैं वो लहसुन के थे जी। अब ये हम तकरीबन 5 मिनट तक इसे इसमें गोश्त को भूनेंगे। अब हम इसमें अपना डाल रहे हैं जनाब टमाटर ब्लेंड किया हुआ, 6 अदर टमाटर मैंने ये ब्लेंड कर लिए थे। थोड़ी देर तक पकाएंगे, हमने थोड़ा सा अपना फ्लेम कर दिया हाई, क्योंकि जी जनाब मैं गोश्त काफ़ी फ्राई कर चुकी हूँ, फिर ये बहुत ही ज़्यादा गल जाएगा। जी जनाब, ये मैं ले गई हूँ जी आपको कौरमे के अंदर। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, तब भी इसकी कलरिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है और ग्रेवी भी कितनी इसकी अच्छी तैयार हो रही है, ठीक है। बोटियाँ बिल्कुल साफ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शान मार रही है। इसी स्टेज पर जनाब हम इसमें अपना पेस्ट जो मसालों का है वो ऐड करते हैं। खुशबू इतनी माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। 3 अदद मैंने मिर्चें कर दी ऐड, ठीक है,
मैंने क्या था मुझे अब मैंने इसे 5-10 मिनट पकाने के बाद इसमें अपना ऐड कर दिया जनाब प्याज ब्राउन करके मैंने जो उसमें क्या किया होता दही में ब्लेंड की हुई। हाँ जी जनाब देखें जी मैंने इसमें दही ऐड किया तो इसका गोल्डननेस मसाले की चेक करें। ये देखें अब तो शादियों में भी नहीं सरकार ऐसे खाने की इतनी प्यारा कलर वगैरह आ रहा होता पता नहीं क्या बेबरकती हो गई है जी हर जगह पे या वो मसाले नहीं होते हैं या इतने खालिस मसाले नहीं होते हैं कि कलरिंग वगैरह या सालन के टेस्ट पुराने आए पुराने तो लोगों के हाथों के टेस्ट भी हो रही थे और सालन भी हो रही थी। बहरहाल जी देखें जी कितना गोल्डन प्यारा कलर है जी जनाब ये देखें जी अब हम आपको फिर इसके अंदर लेके जा रहे हैं एकदम मैं आपको लेके जा रही हूँ जी कोरमे के अंदर। देखें जी ग्रेवी किस कदर माशाल्लाह ज़बरदस्त है और जनाब सालन भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है जी इसका। और जनाब मेरी बेटी ने तो अभी अभी पहला कमेंट दिया है कि मम्मा मुझे ना दावत से पहले खाना खिला रहे हैं बाद में बचता नहीं है तो यानी इतना टेस्टी होता है कि बच्चों को भी शक होता है कि जी बाद में पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह होगा। मैं कुछ बोलूंगी नहीं इस चुटकी से क्योंकि मैं तुम जैसा ना बनता हूँ। हाँ जी जनाब ये देखें जी इतनी जबरदस्त इसकी ग्रेवी है ये देखें ये देखें पास करके भी आपको दिखा देते हैं ये देखें ठीक है बिल्कुल जैसे शादियों पे सालन बनता है इस तरह का ये कोरमा तैयार हुआ है और कोई बाहर से इसमें कोरमा मसाला या कुछ भी इस तरह का नहीं डाला। बोटियां भी देखें बिल्कुल नहीं टूटी हैं ठीक है बिल्कुल साबुत बोटियां ज़बरदस्त किस्म का।